आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आईफोन जैसा स्लो एंड फास्ट मोशन की वीडियो को एडिट करना सिखाने वाला हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि पूरे यूट्यूब पे ना आज तक आपको इतना सिंपल तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। आपका भाई पहली बार बता रहा है, जिसके अंदर आपका भाई क्या बताएगा कि कैसे आप आईफोन की जैसे अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, आईफोन फिल्टर को अपनी वीडियो के अंदर कैसे यूज करेंगे, सेकी फिट को भी एड करना आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वसम गाइज, इस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को VN ऐप को ओपन करना होगा। अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके इजिली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आप लोग न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, और कर लेने के बाद ना आपकी गैलरी की सारी वीडियोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो जिस भी वीडियो को आप लोग को एडिट करना होगा उस वीडियो को सिंपल से आप लोग ऐसे टिक कीजिएगा, और टिक कर लेने के बाद नीचे साइड में आप लोग को तीर के आइकन पे ऐसे क्लिक कर देना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो VN ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा। और इसी वीडियो को हम लोग एडिट करने वाले हैं, और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपका भाई एक बात बता दे, बहुत ही जरूरी बात है कि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर आईफोन जैसा कलर ग्रेडिंग करेंगे, और दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई प्रोफेशनल लेवल का आपको अपने वीडियो को ना स्लो एंड फास्ट मोशन में करना बताएगा, और तीसरे स्टेप के अंदर आपका भाई सेकी इफेक्ट को कैसे ऐड किया जाता है ये बताएगा, म्यूजिक को भी ऐड करना बताएगा, सारी चीजें आपका भाई बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इन सारी चीजों को नहीं सीख पाएंगे। चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक कर देंगे, और कर लेने के बाद नीचे साइड में एक वॉल्यूम का आइकन देखने को मिलेगा। तो वॉल्यूम के आइकन पे आप ऐसे क्लिक करके इसकी वीडियो वॉल्यूम को ना हम लोग 0% करके और यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक कर लेने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल करके लास्ट में आइएगा, और लास्ट में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक VN ऐप का ना लोगो टाइप का ब्लैक कलर का मिल जाता है। तो इसे आप लोग सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा गाइस कि आपका ये वाला पार्ट है डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक जरूरी बात को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को कैसे कटिंग किया जाता है, और आप लोग सोचेंगे ये कटिंग होता क्या है, कि वीडियो के स्टार्टिंग में गाइस जो आपका फालतू पार्ट होता है और लास्ट में जो फालतू पार्ट होता है ना, उसे काट को हटाने को ही हम लोग कटिंग कहते हैं। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वीडियो को चला के देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का वीडियो ना, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का फालतू है। तो यहाँ से हम लोग को वीडियो को काट के हटाना है, तो इसे आप दो तरीके से हटा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करना होगा, जब ये वाला आइकन आ जाए तो ऐसे लाशे से पकड़ के आपको ऐसे खसीट के ना छोटा करके इसके बराबर कर दीजिएगा, तो वीडियो कट जाएगा, और ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि नीचे साइड में आपको एक स्प्लिट का आइकन मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे टैप करके, और जिस भी पार्ट को अगर आप डिलीट करना चाहते इस वाले पार्ट को, तो ऐसे आप इसे सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिएगा, ये पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। तो यही था हम लोग का दोनों तरीका। स्टार्टिंग में भी आप सेम यही काम कर सकते हैं, अगर आपका स्टार्टिंग में पार्ट जो है ना सही नहीं है, मेरा तो सही है, तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं, मैं वीडियो को यहाँ पे चला के देख लेता हूँ। तो लीजिए गाइस, हम लोग का एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोग का वीडियो हो चुका। तो पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप कलर ग्रेडिंग करेंगे आईफोन जैसा। तो उसके लिए सिंपल से प्रोसेस गाइस ये होगा ना कि हम लोग ऐसे नीचे साइड में स्क्रॉल करके पूरा आगे आएंगे, और आगे आने के बाद आप लोग के सामने एक फिल्टर का आइकन देखने को मिलेगा। तो फिल्टर वाले आइकन पे आप ऐसे टैप कीजिएगा, और यहाँ पे फिल्टर में अभी आपका ओरिजिनल पे होगा, तो ओरिजिनल पे होगा तो ऐसे आपको स्क्रॉल करके साइड में आना होगा, और साइड में गाइस आप आएंगे ना तो यहाँ पे एक लाइट का आइकन मिलेगा, तो लाइट वाले आइकन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, और कर लेने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके ऐसे साइड में आगे आइएगा, तो यहाँ पे आप लोग के सामने एक फिल्टर मिलेगा LT5 करके, तो इसको आप लोग ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा LT5, और इसकी जो ओपेसिटी होता है ना गाइस, इसे आप लोग ऐसे कम कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 50% करता हूँ, और कर लेने के बाद ना जरूरी जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कभी जिंदगी में ना वीडियो एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, एडजस्ट वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे सिंपल से आप लोग को कॉन्ट्रास्ट वाले आइकन पे आके इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू आप लोग को कम करके -15 करना होगा, और ऐसे स्क्रॉल करके आगे
आगे आइएगा और आगे आने के बाद आप लोग के सामने एक वाइब्रेंस का ऑप्शन मिलेगा, तो वाइब्रेंस की वैल्यू भी आप इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 26% कर लीजिएगा। और सिंपली से गाइस ना इसके बगल में एक टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आके और यहाँ पे आप ऐसे डिक्रीज करके इसे -10 कर लीजिएगा, -9 कर लेता हूँ। और इसके बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग का मेन काम स्टार्ट होता है कलर ग्रेडिंग का। HSL के ऑप्शन पे आप आइएगा और आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की पैनल ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आप लोग को सिंपल से येलो कलर को लेना होगा और इसकी ह्यू को आप लोग को ऐसे इंक्रीज करके 100% कर देना होगा। सिचुएशन की वैल्यू भी इंक्रीज कर दीजिएगा, इससे ये होगा कि आपके बैकग्राउंड में ग्रीन टोन काफी अच्छी सी आ जाएगी। इसके बाद आप लोग को ब्लू कलर को गाइस सिलेक्ट करना होगा और इसकी ह्यू की वैल्यू ना आप इंक्रीज करके प्लस साइड में 49% कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका भाई ना ये बताएगा कि अगर आपका फेस जो है ना वो डार्क है उसे ब्राइट कैसे करना, तो उसके लिए आपको सिंपल से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना होगा और इसकी जो लाइटनेस की वैल्यू आप इंक्रीज करके 100% कर दीजिएगा। और इसके बाद रेड कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी लाइटनेस की वैल्यू 100% कर दीजिएगा। और ऐसे साइड में स्क्रॉल करके शार्पनिंग वाले वैल्यू पे आके शार्पनिंग की वैल्यू आप 12% कर लीजिएगा। हाईलाइट की वैल्यू पे आके हाईलाइट के वो भी हम लोग इंक्रीज करके 22% कर लेंगे। अगर आपकी पूरी वीडियो डार्क है ना तो शैडो वाले में आके और शैडो को आप बढ़ा लीजिएगा। अगर आपकी वीडियो डार्क तो ही आप ये प्रोसेस कीजिएगा। मेरा तो डार्क नहीं है तो मैं सिंपल से यहां से राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा और कर लेने के बाद गाइस हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अपने वीडियो को ना आईफोन जैसा कलर ग्रेडिंग किया। बहुत ही सकास हम लोग का ये वाला वीडियो लग रहा है, तो पहला स्टेप तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप प्रोफेशनल लेवल की अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप ये सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे, तो वीडियो को यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आपका भाई आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला है। तो दूसरे स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक स्पीड का आइकन मिलेगा, तो इस पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना तो हम लोग के सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका भाई यहाँ पे ना जो स्लो एंड फास्ट मोशन का करने का सही तरीका है वो बताने वाला है। यहाँ पे एक कर्व का आइकन मिलेगा, एक रेगुलर का, तो रेगुलर वाले पे आप आइएगा। और रेगुलर का मतलब ये होता गाइस ना कि अगर हम इसे इंक्रीज कर देते हैं तो हम लोग की पूरी वीडियो मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग का पूरा वीडियो फास्ट हो जाएगा। अगर हम इसे ऐसे डिक्रीज कर देते हैं ना तो हम लोग की पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग की पूरी वीडियो स्लो मो में ही रहेगा, कहीं पे स्लो एंड कहीं पे फास्ट नहीं होगा हम लोग का वीडियो। तो हम लोग स्लो एंड फास्ट दोनों करने वाले हैं, तो ये भी आपका भाई बताएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ 1x पे करके और सिंपल से कर्व वाले आइकन पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं गाइस ना कि मैं मैन्युअली कोई भी सेटिंग ना करूं, हम लोग को फ्री में प्रीसेट मिल जाए, वन क्लिक में हम अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कर लें, तो ये भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे साइड में एक प्रीसेट का आइकन देखने को मिलेगा, तो प्रीसेट के आइकन पे आप जैसे ही कीजिएगा ना तो आप लोग के सामने 6 प्रीसेट मिल जाएंगे स्लोमो का। तो आप यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डेमो भी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की हम लोग को वीडियो होगा। तो ऐसे आप टैप करके सभी फिल्टर को देख सकते हैं कौन से आपके वीडियो के अंदर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को मैनुअल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। तो मैनुअल आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में करने के लिए मैं यहाँ पे इसे रिसेट कर देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस टाइप के ऑप्शन आप लोग के कर्व वाले में मिलेगा। तो पहले डॉट को छोड़ के दूसरे वाले डॉट पे ऐसे पकड़ के होल्ड कीजिएगा और ऐड स्टोरी के ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिएगा। एक डॉट को छोड़ के आप सभी के बीच में ऐसे कर लीजिएगा, मैं भी गाइस फटाफट से सभी के बीच में ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताएगा। तो पहले वाले डॉट को छोड़ के दूसरे वाले डॉट को पकड़ के आप ऐसे नीचे कर दीजिएगा, एक डॉट को छोड़ के दूसरे वाले डॉट को ऐसे पकड़ के सभी को नीचे कर दीजिएगा। और ये प्रोसेस आप ऐसे कर लेने के बाद सबसे स्टार्टिंग में आइएगा, पहले वाले डॉट को पकड़ के आप ऊपर कर लीजिएगा और दूसरे वाले डॉट को भी ऐसे सभी को पकड़ के आप ऐसे ऊपर कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ इस टाइप की हम लोग की वीडियो स्लोमो में आ जाएगी जो देखने में काफी ऑसम सी लग रही है। तो सिंपली आप लोग को नीचे साइड में राइट क्लिक कर देना होगा और राइट क्लिक कर लेने के बाद ना आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल लेवल का हम लोग का वीडियो स्लो एंड फास्ट मोशन में हो जाएगा, जो कि देखने में काफी बवाल सी दिख रही है।
तो गाइज अगर आप इतना सारा काम अगर आप कर लिए होंगे ना तो आपका दो स्टेप पर कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टेप के अंदर मैंने कलर ग्रेडिंग करना सिखाया है, दूसरे स्टेप के अंदर मैं आप लोग को स्लो एंड फास्ट मोशन करना सिखाया है, और तीसरे स्टेप के अंदर आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप अपने वीडियो के अंदर से की इफेक्ट को ऐड करेंगे, म्यूजिक को भी ऐड करेंगे। आपका भाई सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके आगे आएंगे और आगे आने के बाद सिंपल सा स्प्लिट कर देंगे और थोड़ा सा और आगे आएंगे और अगेन हम लोग स्प्लिट कर देंगे और ऐसे हम लोग अपने वीडियो में कई कट को लगा लेंगे। और लगा लेने के बाद ना आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आना होगा और आने के बाद सेकी इफेक्ट को ऐड करने का सही तरीका क्या होता है चलिए आपका भाई बताता है। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में ऐसे आना होगा और आने के बाद आप लोग के सामने एक एफएक्स का आइकन देखने को मिलेगा। तो एफएक्स के आइकन पे आप ऐसे टैप कीजिएगा और ऐसे स्क्रॉल करके आगे आइएगा और आगे आने के बाद ये आपको एक फिल्टर मिलेगा, ये वाला कुछ इस टाइप से ऊपर से ये गिरता है। तो इसे आप लोग ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा और नीचे साइड में आप लोग को अप्लाई टू ऑल के आइकन पे ऐसे टैप कर दीजिएगा। इससे ये होगा गाइस ना कि आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में जो भी कटिंग पार्ट है ना उसके स्टार्टिंग में आपका ये ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस टाइप की ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो देखने में काफी औसम सी लग रही है। तो सो वसप गाइस, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद हम लोग की पूरी वीडियो कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगी जो देखने में काफी औसम सी लग रही है। अगर आप अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है उसे आप अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। और वीडियो को फुल एचडी में सेव करने के लिए ऊपर साइड में डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कर देंगे और जिस भी रेशियो में आप अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यही सेटिंग रहने देता हूँ, मैं एक्सपोर्ट क्लिक कर देता हूँ, हमारा वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।